In this case, the velocity time graph for the motion of the car in shown figure 8.6. Velocity time graph दिखाया गया है इसमें किसी भी कार की गति के लिए 8.6 फिगर में. The nature of the graph shows that graph का जो nature है वो ये दिखाता है velocity change, velocity परिवर्तित हो रही है by equal amount and equal time interval. Equal amount से velocity का परिवर्तन by equal amount of time. यानी जितना अमाउंट टाइम का है, जितना टाइम लिया गया है, उतनी ही वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है. इस ग्राफ के द्वारा ये पता चलता है. दस इस प्रकार, for all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. सभी uniformly accelerated समान रूप से त्वरित गति करने वाले, uniform accelerated का मतलब है. सभी समान रूप से त्वरित गति करने वाली जो चीजें हैं, उनके लिए ये velocity time graph एक सीधी रेखा में होता है. इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है. You can also determine the distance moved by the car from its velocity time graph. Velocity time graph से हम किसी भी कार के द्वारा कितना डिस्टेंस तय किया गया है वो भी निश्चित कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं. The area under the velocity time graph gives the distance moved by a car in given interval of time. जो एरिया velocity time graph में दिया गया है उससे उसका डिस्टेंस, दूरी पता चलती है जो एक कार के द्वारा कितने समय में तय की गई है. वो डिस्टेंस ही उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है. इफ द कार वुड हैव बीन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि कार जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, समान वेग से चल रही है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया एबीसीडी अंडर द ग्राफ फिगर 8.6. तो जो ग्राफ में एरिया दिखाया गया है एबीसीडी, वो रिप्रेजेंट करता है कि उसने कितनी दूरी तय की है समान गति से चलने के दौरान. सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंजिंग ड्यू टू द एक्सीलरेशन, द डिस्टेंस एज ट्रेवल बाय द कार विल बी गिवन बाय द एरिया एबीसीडीई अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर 8.6. इस प्रकार मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार, कार का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कितने वेग से वो चली और कितनी दूरी उसने तय करी, वो उसका मैग्नीट्यूड है. वो चेंज, वो बदल जाता है किसके कारण? एक्सीलरेशन, त्वरण के कारण. तो वेलोसिटी किसके कारण चेंज हो जाती है? त्वरण के कारण. द डिस्टेंस ट्रेवल, जो दूरी तय की जाती है कार के द्वारा, वो जो एरिया है उसको हम एबीसीडी ई के द्वारा फिगर में दिखाते हैं. जो ये ग्राफ बना हुआ है इसमें एबीसीडी ई जो एरिया दिखा रहा है वो वेलोसिटी का डिस्टेंस ट्रेवल दिखा रहा है कि कितनी दूरी कर कह करके उन्होंने ग्राफ में नोट किया है, या आप इसमें ग्राफ में इजीली देख सकते हैं. तो इससे जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा वो क्या बन के तैयार होता है? S इज इक्वल टू एरिया एबीसीडीई. S इज इक्वल टू क्या हुआ? जो टोटल एरिया है एबीसीडीई. अब एबीसीडी में हम कैसा फॉर्मूला बनाएंगे? इसमें पहले एबीसीडी जो है वो तो रेक्टेंगल है, तो इसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी प्लस एरिया एबीसी एडीई, ये क्या बन के तैयार होता है? हमारा ट्राइंगल. तो प्लस होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई. अब इसमें हम दोनों के फॉर्मूले लगा देंगे. लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, आपको पता ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी, और प्लस ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ ए डी मल्टीप्लाई बाय डी ई. इस तरीके से हमें टोटल वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पता चल जाएगा कि कितने वेग से कितने समय में कितनी दूरी तय की गई है. ये पूरी इस फॉर्मूले से निकल कर आ जाएगी. यू कैन सॉल्व इट. इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, असमान त्वरित गति में क्या करेंगे? ये तो समान गति के लिए फॉर्मूला था. असमान त्वरित गति के केस में क्या करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप. वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कोई भी शेप हो सकती है असमान गति में. फिगर 8.7 शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद द टाइम. फिगर 8.7 में जो ए ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो ये दिखाता है जिसमें वेलोसिटी जो है घट रही है समय के साथ साथ. इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है. जबकि दूसरा जो ग्राफ है 8.7 का बी, वो ये दिखाता है शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम. समय के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो असमान है. असमान वेलोसिटी को दिखाता है दूसरा ग्राफ, कि असमान गति करता है जब कोई ऑब्जेक्ट, तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा टाइम के साथ. ट्राई टू इंटरप्ट दीज ग्राफ, इन दोनों ग्राफों की व्याख्या कीजिए.
यानी कि इन ग्राफों से आप समझिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट समान रूप से यूनिफॉर्म मोशन करता है तो किस तरीके का ग्राफ बनता है टाइम के वेरिएशन में, और टाइम के साथ जो असमान गति करता है, असमान वेलोसिटी से चलता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, तो उसके लिए किस तरीके का ग्राफ बनता है। इन दोनों ग्राफ को आप इंटरप्रेट कीजिए। एक्टिविटी 8.9, द टाइम्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ अ ट्रेन एट थ्री स्टेशन एबीसी। तीन स्टेशन से ट्रेन के अराइवल और डिपार्चर का टाइम लिखा हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ स्टेशन बी एंड सी फ्रॉम स्टेशन ए, और स्टेशन ए से बी और सी की क्या दूरी है वो दिखाई गई इस टेबल में। इस टेबल को आप देख लीजिएगा। प्लॉट एंड इंटरप्रेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन अज्यूमिंग दैट इट्स मोशन बिटवीन एनी टू स्टेशन इज यूनिफॉर्म। ये जो ग्राफ बनाया गया है ये इस आधार पर बनाया गया है कि दो स्टेशन के बीच में जो ट्रेन चल रही है वो समान गति से चल रही है, यानी उसकी एक लिमिट है स्पीड की। एक्टिविटी 8.10, फिरोज एंड हिज सिस्टर सानिया गो टू स्कूल ऑन देयर बाइसिकल। फिरोज और उसकी बहन दोनों स्कूल साइकिल से जाते हैं। बोथ ऑफ देम स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम देयर होम बट टेक डिफरेंट टाइम टू रीच द स्कूल ऑल्दो दे फॉलो द सेम रूट। वो दोनों एक ही समय पर घर से निकलते हैं और एक ही रास्ते से जाते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर वो स्कूल पहुंचते हैं। टेबल 8.5 शोज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम इन डिफरेंट टाइम्स। 8.5 में उनके द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग समय पर दिखाई गई है। ये देख लीजिएगा, दोनों 8 बजे घर से निकले, 8:05 पे फिरोज ने जो दूरी तय की वो 1 माइल थी, 1 किलोमीटर, और जो सानिया ने तय की वो 0.8 थी। 8:10 पर वो 1.9 किलोमीटर चल लेता है जबकि वो 1.6 चल पाती है, यानी कि फिरोज की जो स्पीड है वो सानिया के कंपेरिजन में फास्ट है। प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर देयर मोशन ऑन द सेम स्केल एंड इंटरप्ट। अब ये एक ग्राफ बनाइए इनके गति के लिए और इसी के स्केल पर, और फिर दोनों की व्याख्या कीजिए कि किसकी स्पीड क्या है। क्वेश्चंस नंबर 1, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की समान और असमान गति के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा दिखता है, क्या दिखाता है, कैसी लाइन बनती है, किस तरीके का ग्राफ बनता है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए क्या कहेंगे। हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जिसकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है एक सीधी रेखा बनती है टाइम एक्सिस के समानांतर। टाइम एक्सिस जहां पर है उसके समानांतर एक सीधी रेखा बनती है, इस तरीके का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। वॉट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और टाइम एक्सिस के पैरेलल में एक सीधी रेखा बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए स्पीड टाइम ग्राफ में, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे। वॉट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और किसी भी ऑब्जेक्ट के जो एरिया है, ऑक्यूपाई किया गया एरिया है, जो घेरा गया स्थान है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे है, यानी उसने कोई दूरी तय की। कोई भी टाइम ग्राफ जीरो से शुरू होता है, लेकिन अगर कोई भी टाइम जीरो टाइम के नीचे, जितना भी हमने समय लिया है, जीरो वेलोसिटी के नीचे वो दूरी को तय कर लेता है, तो उसके लिए किस तरीके का ग्राफ बनाएगा, उसको कैसे आप शो करेंगे, यानी कि बिलो जीरो, बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके नीचे जो एरिया ऑक्यूपाइड होता है उसके लिए किस तरीके का ग्राफ बनाएगा, बनाया जाएगा, तो वह बना के देखिएगा। 8.5, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। When an object moves along a straight line with uniform acceleration, जब समान त्वरण से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है सीधी रेखा में, इट इज पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द मोशन, तो गति के दौरान एक्सीलरेशन को, त्वरण को उसकी वेलोसिटी से रिलेट करना संभव है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल, और इनके द्वारा जो निश्चित समय में जो दूरी तय की जाती है, बाय अ सेट ऑफ इक्वेशन, इसके द्वारा जो इक्वेशन सेट की गई है, जो बनाई गई है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर थ्री सच इक्वेशन, इस तरीके से तीन इक्वेशन बनके तैयार होती हैं। वो इक्वेशन कौन सी हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसमें यह किस इक्वेशन का क्या मीनिंग है वो आपको बताते हैं कि किस इक्वेशन में किसको किस लिया गया है। वेयर यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट शुरू होता है
स्पीड डिस्टेंस तय करना शुरू करता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, विच मूव्स विद यूनिफॉर्म एसिलरेशन ए, और अगर वो समान त्वरण से चलता है तो उसको ए के द्वारा डिनोट किया जाता है। फॉर टाइम टी, और टाइम को टी से डिनोट किया जाता है। वी इज द फाइनल वेलोसिटी, और वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। एंड एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, और टी टाइम में जितनी दूरी तय की जाती है उसको एस कहा जाता है। इक्वेशन 8.5 डिस्क्राइब द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। 8.5 से हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इक्वेशन 8.6 रिप्रेजेंट द पोजिशन टाइम रिलेशन। 8.6 क्या रिप्रेजेंट करती है, पोजिशन टाइम रिलेशन। इक्वेशन 8.7 विच रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द पोजिशन एंड द वेलोसिटी, और इक्वेशन 8.7 पोजिशन एंड वेलोसिटी के संबंध को दिखाती है, इन दोनों का क्या संबंध है, उससे जो इक्वेशन बन के तैयार होती है इन दोनों के बीच में। कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन 8.5 एंड 8.6, और पोजिशन ऑफ वेलोसिटी कैसे हमें प्राप्त होगी, वो इक्वेशन 8.5 और 8.6 के द्वारा हमें प्राप्त होगी। दीज थ्री इक्वेशन कैन बी ड्राइव बाय ग्राफिकल मेथड। ये तीनों इक्वेशन ग्राफिकल मेथड द्वारा दी गई हैं, ग्राफिकल मेथड द्वारा बनाई गई है।